हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यूज़ डिस्कशन। 1 जून है आज, इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर बात करेंगे। इससे पहले इंस्टीट्यूशन इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, 10th of June एंड 11th of June से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर स्टेप अप आईएएस इंस्टीट्यूशन में। अगर आप क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, जो लोग वर्किंग हैं, गर्ल्स हैं, बट दे आर प्रिपेयरिंग देयर लेवल और घर से ही वो तैयारी करना चाहते हैं, तो भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। द प्रोग्राम इज़ कॉल्ड ऑनलाइन पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम, और दोनों ही प्रोग्राम में, जो क्लासरूम का प्रोग्राम है और पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम है, इसमें आपको एक मेंटर की सुविधा मिलती है, जिसमें कि आपको प्रॉपर सुपरविजन में रखा जाता है थ्रू द टाइम मैनेजमेंट डायरी, एंड आपके जो डाउट्स होते हैं उसको क्लियर किया जाता है, 1-to-1 बात की जाती है, व्हाट्सएप पर आपके साथ हम कनेक्ट होते हैं, और ऐसे कई तरीके के फॉर्मेट हैं जिससे कि आपको पूरा पूरा फ़ायदा मिलता है। आप हम तक अपना पूरा प्लान पहुंचा सकते हो, पूरी सेल्फ स्टडी पहुंचा सकते हो, और जो मेंटर हैं वो उसको सही तरीके से जज कर पाते हैं। तो डिटेल जाने के लिए और भी ज़्यादा जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह है, उसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं, मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर में आप रहते हैं, तो आकर के आप बिल्कुल मिल सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट का ये एड्रेस है। आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। पहला न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टोबैको कंट्रोल अवार्ड फॉर ईयर 2019, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ टुडे। WHO के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, टोबैको कंट्रोल अवार्ड, और 2019 का जो अवार्ड है वो राजस्थान गवर्नमेंट के मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसमें जो अचीवमेंट मिला है वो राजस्थान गवर्नमेंट को मिला है, बिकॉज उनका जो अवेयरनेस कैंपेन था वो बहुत ही अच्छा और सफल रहा टोबैको कंट्रोल करने में उस राज्य में। और आपको बता दें कि जो सर्वे है ये सिर्फ इंडिया लेवल पर नहीं किया गया था, ये जो अवार्ड की घोषणा की गई थी इसमें टोटल 33 इंस्टीट्यूशंस को शामिल किया गया था, साथ में 5 ऑर्गेनाइजेशंस थे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको कि साउथ ईस्ट एशिया से लिया गया था। और अगर हम साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ बात करें तो उसमें इंडिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया इसमें शामिल थे। इंडिया से 2 इंस्टीट्यूशंस, पहला तो वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट जो है न्यू दिल्ली में वो, और दूसरा राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। मतलब WHO के द्वारा सेलेक्ट किया गया था इस अवार्ड को देने के लिए, प्रेस्टिजियस अवार्ड को देने के लिए, और उसमें राजस्थान ने टॉप किया है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं। देखिए, अभी वर्ल्ड टोबैको डे था जिसके उपलक्ष्य पर यह अवार्ड दिया गया। 31 मई को ये डे सेलिब्रेट किया गया न्यू दिल्ली में, और वहीं पर यह अवार्ड दिया गया। सो एवरी ईयर WHO के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है कुछ अलग अलग इंडिविजुअल्स को या इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, जो लोग अच्छा काम करते हैं टोबैको कंट्रोल को लेकर के, उनको अवार्ड देती है WHO। तो ये भी याद रखें कि टोबैको कंट्रोल अवार्ड जो है वो WHO के द्वारा दिया जाता है, और चूंकि राजस्थान को मिला है ऑल ओवर द पार्टिसिपेंट्स, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया इस बार न्यूज़ में, आप इसको याद रखेंगे। इससे जुड़ा हुआ न्यूज़ है कि ऐसे कौन कौन से कैंपेन्स हैं जिसको कि फॉलो किया गया टोबैको कंट्रोल करने में। ये बिल्कुल एज इट इज़ आप एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं। जब भी आप ऐसे चीज़ों पर आंसर राइटिंग करें, हेल्थ इशूज़ पर आंसर राइटिंग करें, तो वहाँ पर राज्य और राज्य के द्वारा किए गए कामों को भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर टोबैको कंट्रोल करने के लिए यहाँ 18 और 19 का एक डाटा शो किया गया है। जो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है राजस्थान के, उन्होंने कुछ कैंपेन्स को लॉन्च किया स्कूलों में, कॉलेजेस में, इवन पुलिस स्टेशंस और गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी। मतलब इन शॉर्ट लोगों को अवेयर करने की ज़्यादा कोशिश की गई थ्रू सम इनिशिएटिव्स, उसमें से एक है प्लेज इनिशिएटिव। 30 जनवरी 2019 को एक प्लेज लिया गया सर्वोदय डे के उपलक्ष पर, और इस प्लेज में लोगों ने कहा कि वो टोबैको फ्री बनाएंगे पूरे स्टेट को, और 1.13 करोड़ पीपल ने ये प्लेज लिया कि वो टोबैको कंजम्पशन के अगेंस्ट प्लेज लेते हैं या कंज्यूम नहीं करेंगे टोबैको। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा वहाँ के लिए। सेकेंड जो इनिशिएटिव था वो था टोबैको फ्री प्रोमाइसिस इनिशिएटिव, हेल्थ डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स। तो इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट और उसके अलावा कई अदर डिपार्टमेंट्स थे जिन्होंने, जैसे कि आंगनबाड़ी सेंटर्स के आसपास, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के आसपास, और अदर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, उन सभी लोगों ने भी एक प्लेज लिया, और ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया कि कैसे हम आसपास में जो प्लेसेस हैं वहाँ पर टोबैको फ्री प्रोडक्ट्स ही बेचे जाएंगे, और जिसमें टोबैको होगा उसका बिल्कुल भी ऐसे प्रोडक्ट को नहीं बेचा जाएगा। तो ये भी एक बहुत कारगर रहा पूरे इनिशिएटिव को लॉन्च करने में, और ऐसे कई सारे स्टेप्स लिए गए राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, बट ये जो एक दो आप यहाँ पर देख रहे हैं लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी।
प्योटो विलियम या फिर पोर्ट विलियम इसका नाम है, और ये एक लोकेशन है जो कि अभी वर्ल्ड की साउदर्न मोस्ट सिटी में से एक है. मतलब ये साउदर्न मोस्ट सिटी डिक्लेयर हो गई है. नाउ अगर आपसे क्वेश्चन आता है किसी भी एग्ज़ाम में, वन डे एग्जामिनेशन में या फिर यूपीएससी ही पूछ ले आपसे ऐसे लोकेशंस को कि ये कहाँ पर है, रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये याद रखिएगा कि चिली के एक शहर को, एक सिटी को अभी साउदर्न मोस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, साउदर्न मोस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड. इसके पहले अर्जेंटीना की एक सिटी थी शुया, ये एक सिटी है, आप प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं इसको. इसको साउदर्न मोस्ट सिटी पहले डिक्लेयर किया गया था, लेकिन अब जो सिटी है वो पोर्ट विलियम हो गया है. पहले ये एक हैमलेट हुआ करता था जो कि अब सिटी में कन्वर्ट हो गया है. सो इट इज़ द ग्रोइंग हैमलेट ऑन रिमोट साउदर्न टिप ऑफ द साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट. आप देखिए ये है साउथ अमेरिका और उसमें ये अर्जेंटीना, ये चिली, और यहीं पे साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो पोर्ट विलियम का है, जिसको कि अभी साउदर्न मोस्ट सिटी वर्ल्ड का डिक्लेयर कर दिया गया है. इसलिए इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ज्योग्राफी इसकी आप याद रखेंगे. अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं. मैंडेटरी फॉर ऑल ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. पंजाब गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है. पंजाब गवर्नमेंट ने वहाँ पर जितने भी ऑनलाइन फूड वर्कर्स काम कर रहे हैं, एग्रीगेटर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए जो टैगलाइन होता है, जो हाइजीन रेटिंग होती है, उसको अप्लाई करना कंपलसरी कर दिया गया है. मतलब फसाई जो है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके द्वारा एक हाइजीन रेटिंग दी जाती है, उसको आपको यूज़ करना होगा. ये मैंडेटरी कर दिया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा. तो ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो ऑनलाइन फूड प्रोवाइड करते हैं, आप भी इसको यूज़ करते होंगे, जोमेटो, स्विगी, उबर ईट्स, फूड पांडा, ये सारे ऑनलाइन फूड प्रोवाइड करने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं. तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो पंजाब में वर्किंग हैं, इतने जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सभी के लिए मैंडेटरी हो चुका है. रीजंस कई, तो इसके पीछे कारण ये है कि ऑनलाइन फूड ऑर्डर जो किया जाता है और डोर टू डोर डिलीवरी जो की जाती है और फूड सप्लाई, हैज क्रिएटेड अ फिजिकल डिसकनेक्ट बिटवीन द कंज्यूमर एंड फूड मार्केट. तो फूड मेकर जो फूड बना रहे हैं, जो खाना बना रहे हैं, और जो कंज्यूमर हैं, उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, और इससे ये नहीं पता चल पाता कि जो खाना है वो कितना सेफ़ है, कितना सुरक्षित है. इसलिए आपको इस टैग को, इस हाइजीन रेटिंग को अप्लाई करना होगा, तभी आप फूड वहाँ पर दे सकते हो. तो सिंपल सी बात है कि लोगों के हेल्थ पर कोई इसका इम्पैक्ट ना पड़े, कोई भी ऐसी प्लेटफॉर्म गलत इस्तेमाल ना करे फ्रीडम का, इस वजह से इसको अप्लाई किया गया है पंजाब में. एंड भी अप्लाई किया गया है कि ऐसे जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, उनको हाइजीन रेटिंग में भी 3 स्टार तक जाना पड़ेगा या फिर 3 स्माइलीज तक जाना पड़ेगा, तभी वो अलाउ किए जा सकते हैं फूड को सप्लाई करने में. ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस भी लगाए गए हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, और लेकिन ये उसमें भी सबसे अच्छा स्टेप है जो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है. और ये स्टेप्स हर सरकार के द्वारा लिया जाना चाहिए, बिकॉज अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फूड डिलीवरी जो वो ऑलमोस्ट हर जगह पर हो रही है, और बहुत ज़्यादा ये अभी ट्रेंड में है. आप देख सकते हैं, आप डोमिनोज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जोमेटो का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये लोग सही तरीके से फूड डिलीवरी करें और वो जो खाना बहुत ही हाइजेनिक हो, इसकी इंश्योरिटी होनी चाहिए. ठीक है, तो ये आप इसको भी एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ भी न्यूज़ है. कपाफाइकस अल्वरेजी, बहुत ही टफ है इसको प्रोनाउंशिएट करना. ये एक इन्वेजिव स्पेसीज है, ठीक है, और अभी न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज कोरल रीफ को ख़त्म कर रही है ये स्पेसीज. इस वजह से काफ़ी खतरा हो रहा है इसकी वजह से कोरल रीफ्स को. सो इट हैज़ स्प्रेड इट्स विंग टू द कोरल रीफ एरिया इन वलाई आइलैंड. वलाई आइलैंड है गल्फ ऑफ मन्नार में, ठीक है, वहाँ पर जो कोरल रीफ्स, अभी न्यू कॉलोनी पाई गई है कोरल रीफ्स की, उसको ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है बिकॉज ये इन्वेजिव स्पीसीज है. सो इट हैज़ ऑलरेडी इन्वेडेड सम आइलैंड्स लाइक मूली आइलैंड्स इन द मंडपम क्लस्टर ऑफ द गल्फ ऑफ मन्नार. तो गल्फ ऑफ मन्नार में पाए जाने वाले जो भी आइलैंड्स हैं, उनको ये बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है. तो इस वजह से आप याद रखिए कि अगर पूछ लिया जाए कि ये क्या है न्यूज़ में था, तो इन्वेजिव, तो मरीन नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं, वो न्यूज़ में भी आया हुआ है. कहाँ पर है ये? गल्फ ऑफ कच्छ में है मरीन नेशनल पार्क, एंड दैट मीन्स इट इज़ इन गुजरात. ठीक है, तो स्टेट अगर आपसे पूछा जाए मरीन नेशनल पार्क, तो याद रखिएगा गुजरात स्टेट में है, गल्फ ऑफ कच्छ में पड़ता है. इसके अलावा कब डिक्लेयर इसको किया गया था? 1982 में इसको डिक्लेयर किया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत. एंड यहाँ पर टोटल 42 आइलैंड्स पाए जाते हैं, जो जामनगर कोस्ट है और मरीन नेशनल पार्क है, वहाँ पर 42 आइलैंड्स टोटल पाए जाते हैं. इसमें अगर आप फेमस आइलैंड्स या फिर बेस्ट नोन आइलैंड की बात करें, तो वो पिरोतन है,
एंड मरीन नेशनल पार्क ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ इज अ फ्रजाइल इकोसिस्टम, अपने इकोसिस्टम के लिए बहुत जाना जाता है, जैसा कि अभी नई कॉलोनी भी वहाँ पर पाई गई है कोरल्स की, तो इस वजह से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है ये रीज़न, लेकिन यहाँ पर थ्रेट भी बहुत ज़्यादा है। कई सारे रीज़न है जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्रीज़ का वहाँ पर बढ़ना, साथ में कोरल का एक्सट्रैक्शन और इंक्रीज टर्बिडिटी ऑफ वाटर, ऑयल रिफाइनरीज, ये सारे जो टर्म्स हैं ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं और उस रीज़न को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वहाँ के इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से सारी ही चीज़ें न्यूज़ में बनी हुई रहती हैं हमेशा। नेशनल पार्क को आपको वही पढ़ना होता है जो न्यूज़ में है। तो मरीन नेशनल पार्क के बारे में अगर और आप पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं इंटरनेट से। इसके जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो आप याद रखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी हियर वॉचिंग डिस्कशन। थैंक्स अ लॉट। कीप स्टार्ट।